किसान पालन किया, ये टूर भी ठीक है, पर मुझे बताओ क्या गारंटी है कि क्लेम मिलता है? हेलो ऐसा हो क्या गारंटी है कि क्लेम मिलता है? पिछली ट्रेनिंग में मेरे पास एक भैया आया और कहने लगे भूकंप की दिशा में कभी भी क्लेम नहीं मिलता है। तो मैंने बोला आप भूकंप के नीचे दीवार पर खड़े होने का दम रखिए, आप इस दुनिया से जाने का दम रखिए, क्लेम हम दिल होने का दम रखिए। पक्का होएगा।
ट्रेनिंग में मैंने थक गया है सर। अब मेरे साथ में कोई जरा 10 मिनट बात कर लो और छोड़ दे। और जब वो फौजी आए तो फौजी साहब ने बड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कर दिया। और जैसे फौजी साहब ने डिसिप्लिन मेंटेन किया तो सब बाहर कुछ लोग मेरे कमरे में आए, कह रहे सिंदूरिया भाई ये फौजी आदमी ना पागल आदमी है कि हमें बर्बाद कर देगा, हमारी टीम को नेगेटिव कर देगा। मैंने बोला नहीं, जो काम मैं नहीं कर पाया फौजी कर रहा, बहुत अच्छी बात है, डिसिप्लिन ऐसा होता। और फिर पूछे क्या हुआ, मेरा सेशन था, मैं सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था तो कुछ लोग थे आपस में खड़े हुए बात कर रहे थे, कहते इस फौजी ने तो दिमाग खराब कर दिया, ना तो उठने देता है ना बैठने देता है, ना ये करने देता है ना वो करने देता क्लास के अंदर। तो साहब एक ने बोला दूसरे को, कहता बुरा मत मान, बुरा मत मान, फौजियों की अकल घुटने में होती है। क्या बोला, क्या बोला, कहता फौजी की अकल घुटने में होती है। सेशन लेने कुछ और जा रहा था और मैंने बोला जोरदार तालियां मारिए दोस्त आज के मेरे सेशन के लिए जिसका नाम है फौजी की अकल घुटने में। अरे ऐसा दोस्त, मैंने बोला फौजी इसलिए फौजी है क्योंकि उसकी अकल घुटने में है, फौजी बॉर्डर के ऊपर बंदूक लेके इसलिए खड़ा क्योंकि उसकी अकल घुटने में है, फौजी अपने परिवार की परवाह नहीं करता पर भारत माता की परवाह करता है क्योंकि उसकी अकल घुटने में।
फौजी पेनल रहता है और टीटीएम का फौजी वही कैप्टन ब्रिगेडियर और सब की तबका लगवाएगा तो सब पागल हो जाएगा इसके पास। ये जो जोगिंदर मुंडी रहा ना
ये सौरभ भूत हो गया। इसके बाप ने दिन रात मेहनत करके वकील बनाया छोरे को, और भाई पत्ता को गिर Please, everyone!